तो इसका मैंने कवर को, ये कवर था इसको हटा दिया है। देखिए डिस्प्ले है, डिस्प्ले कैसे रिमूव करना, बस सिंपल सा है, आराम से इसको बाहर निकालना है ये कीपैड से डिस्प्ले आउट हो गया। देखो इसका डिस्प्ले बाहर आ चुका है, इसका डिस्प्ले बाहर आ चुका है, पैनल कैसे आर क्यू से डिस्प्ले, इसका आप डिस्प्ले बाहर निकाल के रख सकते हो, जब भी यूज़ करना हो तब इसको लगा के प्रोग्रामिंग या कुछ भी करना हो तो कर सकते हो। कीपैड इसका रिमूवल है, कीपैड को आप बाहर निकाल सकते हो, बस इसी का चीज़। ये ड्राइव कम्युनिकेशन का मैन कार से ड्राइव कम्युनिकेशन के लिए एक केबल यूज़ किया गया है, और इस कार्ड को ऑन करने के लिए 1100 सप्लाई यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये अपना कॉलिंग कार्ड है, ये 3132 अब ड्राइवर डाउनलोड हो, उसके बाद ये सिगमेंट है और ये COP 16 तक कॉलिंग है, 16 कलर का कॉलिंग है। उसके बाद ये सेफ्टी सर्किट है सारे जो ऑलरेडी शॉर्टिंग होता है, और आपने वो कनेक्शन देना यहाँ पे 118 से 119 20 30 40 यहाँ से हमें 20 35 40 यहाँ से 118 से 120 ये करना, और ये लैंडिंग कार्ड फाइनल है। ये 3 फेज का MCB है, L1 L2 न्यूट्रल, UPS का इनपुट है, सीरीज वाला इनपुट, ये ब्रेक का पॉइंट है और लाइट फैन के लिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। तो 3 फेज यहाँ से निकलते सीधे इसके ड्राइव में जाता है, ये ड्राइव है इसका, ये ड्राइव है, ये कार्ड है, ये इंस्पेक्शन जंक्शन बॉक्स है, ये सारे इसके MCBs है, जैसे इसका MCB न्यूट्रल फेज के लिए है, लाइट फैन के लिए है, सेफ्टी सर्किट के लिए, सारे के लिए MCB, टोटल 6 MCB यूज़ किया गया है। ये अप के लिए बटन, ये डाउन के लिए, और ये ब्रेक रिलीज करने के लिए इसको टोंगल दिया हुआ है, ये 1 मतलब इंस्पेक्शन, 0 मतलब नॉर्मल, ये स्टॉप स्विच है, कंट्रोलर स्टॉप स्विच है। ओके अब इंटरनल पार्ट देखते हैं इसका, और 2 कॉन्टेक्टर लगा हुआ इनसाइड, एक तो अपना KFR ब्रेक के लिए एक कॉन्टेक्टर है, एक ब्रेक के लिए, एक मोटर के लिए UVW का मोटर ब्रेक, हमारे ये 2 कॉन्टेक्टर यूज़ किया गया है एक मोटर के लिए। अब मोटर की बात करें तो UVW की बात करें तो UVW का वायर डायरेक्टली टर्मिनल पे आया हुआ है। उसके UPS के लिए यहाँ से कॉन्टेक्टर वायर ब्लॉक किया है, और ये से कनेक्टिंग है, जो कनेक्टिंग आपस में कनेक्ट हो रहा है, उसका ये सारा इनपुट इसके बैक साइड में, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से सप्लाई चेंज करने के लिए पॉइंट्स दिया गया है, जो अगर आप इनपुट सप्लाई 0 से 240 है उसके 0 वोल्ट 240 2 22, और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में दिया गया है 0 से 125 वोल्ट लिया ब्रेक के लिए, और 42 वोल्ट ये किसी सर्किट के लिए यूज़ किया गया है, जिसका ट्रांसफार्मर आउटपुट है, और ये सारा MCB है। R1 K R2 दो कॉन्टेक्टर इसके अंदर यूज़ किए गए, फिर उसके KFR और इसके अंदर यूटिलाइज किया। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए, इसका PC कार्ड है।